कश्मीर में मोबाइल फोन चालू हो चुके हैं पर पाकिस्तान परस्त गैंग का सिग्नल बंद हो गया है। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है 370 का चैलेंज, आज भी दिया है, अभी अभी दिया है, मोदी ने चैलेंज दिया है कि वापस लाकर तो दिखाए विपक्ष 370 को, अपने घोषणा पत्र में डाले। क्या विपक्ष ये चैलेंज लेगा और लाएगा 370 वापस? क्या कश्मीर को लेकर उनके घड़ियाली आंसू और ड्रामा उसका पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है? कश्मीर पर देश को गुमराह करने वाले विपक्ष पर पीएम मोदी ने अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है। पीएम मोदी ने विपक्ष को खुला चैलेंज दिया। तो अपने चुनावी घोषणा पत्र में ऐलान करें कि वे धारा 370 वो घोषणा करें, हम वापस लाएंगे। तो क्या कांग्रेस समेत विपक्ष में ये हिम्मत है कि वो मोदी के चैलेंज का सामना करें? जिस कांग्रेस ने इसे संविधान की हत्या कहा था, क्या वो 370 वापस लाएगी? 370 हटने के बाद से कश्मीर में एक भी गोली नहीं चली, किसी की जान नहीं गई, तो क्या इसीलिए विपक्ष परेशान है? हमारे लिए इन कश्मीरी भाई की जान जरूरी थी, टेलीफोन जरूरी नहीं था, और हमने कामयाबी के साथ सब लोगों की जान बचाई। न्यू कश्मीर के 71 दिन हो चुके हैं, चारों तरफ शांति, क्योंकि कश्मीर को 370 से आजादी मिल गई, क्योंकि कश्मीर में अमन है, क्योंकि कश्मीर में लोग खुश हैं, और कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष जिसने 370 के खिलाफ एजेंडा चलाया वो एक्सपोज हो गया। तो आज का हैशटैग है #मोदी370 चैलेंज, और ऑनलाइन सवाल है कि क्या मोदी के 370 चैलेंज से विपक्ष का कश्मीर ड्रामा हुआ है एक्सपोज, पर्दाफाश हो चुका है? और आज का पहला मुद्दा भी यही है कि मोदी का 370 चैलेंज लेगा विपक्ष? मेरी राय है कि कश्मीर में गूंजी है अमन की आवाज, घंटियां बज रही है फोन की, पाकिस्तान परस्त गैंग जो है वो हो गया है बे आवाज। 370 पर पीएम का जो चैलेंज है, आज भी दिया है, अभी अभी दिया है, वो टुकड़े की कश्मीर में गूंजी है अमन की आवाज, घंटियां बज रही है फोन की, पाकिस्तान परस्त गैंग जो है वो हो गया है बे आवाज। 370 पर पीएम का जो चैलेंज है, आज भी दिया है, अभी अभी दिया है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग कभी मंजूर नहीं करेगा, क्योंकि कश्मीर पर विपक्ष सिर्फ परिवार हित को बचाने के लिए राजनीति करना चाह रहा है और नया कश्मीर भारत का कॉल एक्सेप्ट कर रहा है और पाकिस्तान परस्त एजेंडे का कॉल रिजेक्ट कर रहा है। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, देखते हैं वो क्या राय रखते हैं। मेरे साथ जुड़े हैं स्टूडियो में कश्मीर पंडित के मामले को उठाने वाले, कश्मीरी पंडितों के मामले को उठाने वाले रूट्स इन कश्मीर के प्रवक्ता अमित रैना साहब, मेरे साथ जेएनयू के छात्र और एनएसयूआई से जुड़े हुए सनी धीमान जुड़ चुके हैं, मेरे साथ है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव पांडे, और मेरे साथ है बेंगलुरु से राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के लिए हमदर्दी रखने वाले डॉक्टर सैयद अब्बास, और मेरे साथ कश्मीर से भी पत्रकार माजिद हैदरी बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं। तो पहला सवाल, क्योंकि कांग्रेस के यहां पे दो हमदर्द बैठे हैं, माजिद हैदरी भी मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जुड़ चुके हैं, चलिए कश्मीर में 40 लाख फोन लाइन भी शुरू हो गई और माजिद हैदरी की भी लाइन जुड़ चुकी है, पर पहला सवाल जो है वो कांग्रेस से हमदर्दी रखने वालों को, विपक्ष के साथ जो खड़े रहते हैं उनको पूछना चाहता हूं। सैयद अब्बास, क्या विपक्ष लेगा मोदी का 370 चैलेंज? मोदी का 370 चैलेंज क्या है ये मैं पहले मैं आपको सुना दूं। आज भी अभी अभी जो रैली हुई है हरियाणा में, उसमें प्रधानमंत्री ने एक चैलेंज दिया है, ये इसलिए दिया है क्योंकि गुलाम नबी आजाद कह रहे थे कि जेल बन चुका है 370 हटने के बाद, अधीर रंजन चौधरी बोल रहे थे कॉन्सेंट्रेशन कैंप है। तो सुनिए प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं विपक्ष से, और उसके बाद आपका जवाब लेते हैं। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी। आम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन हम कंडम करते हैं उस एक्ट को जिसके द्वारा हम उसको, उस एक्ट को कंडम करते हैं जो हिंदुस्तान के संविधान को जलाते हैं, या तो जलाया नहीं या उसको फाड़ते हैं, लेकिन आज बीजेपी ने इसी संविधान का मर्डर भी किया, डेमोक्रेसी का मर्डर किया, जिस संविधान के द्वारा, जिस आर्टिकल 370 के द्वारा हमने हिंदू
कश्मीर दिया, आज उसी संविधान और अजी लोकतंत्र को मोदी सरकार ने क्यों उड़ा दिया। वो सदमे में है, तीन मिलाए हुए हैं, ये लोग इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। विदेशों में जाकर मदद मांग रहे हैं। अगर इतना ही 370 आपको प्यारा लगता है, हिम्मत के साथ हरियाणा के लोगों के बीच में जाओ और बताओ कि अगर आप चुनाव जीत करके आएंगे तो 370 वापिस लाएंगे, 35A वापिस लाएंगे, मोदी ने जो किया है उसको उल्टा कर देंगे। डॉक्टर अब्बास, छोटा सवाल छोटा जवाब चाहिए, सबसे अनुरोध है कि डायरेक्ट जवाब दें। 370 पर आपकी कमिटमेंट है, बिल्कुल आप लोग मोदी का चैलेंज ले लीजिए और कहिए अपने घोषणा पत्र में महाराष्ट्र और हरियाणा में कि हम 370 जैसे था वैसे लाएंगे, क्यों नहीं करते, हिम्मत नहीं है? बहुत बहुत छोटी सी बात है, ये जो हमारे प्रधानमंत्री जनाब श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा ये बिल्कुल गलत है, इलॉजिकल बात है। कैसे अगर समझो कांग्रेस आ भी गई बहुमत के साथ हरियाणा और महाराष्ट्र में, कैसे वापस ला सकेगी? ये तो बहुमत हमें लोकसभा में चाहिए, तो मतलब अभी तक लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, में नहीं चाहिए। और असली असली जो मुद्दा है, छोटी सी बात है डॉक्टर अब्बास, छोटी सी बात बता दूं, प्रियंका वाड्रा ने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सुनिए प्रधानमंत्री को लेना, छोटा जवाब रखते हैं, छोटा सवाल छोटा जवाब सर, छोटा सवाल छोटा जवाब, प्रियंका वाड्रा असली चैलेंज, डॉक्टर अब्बास चैलेंज पे लंबे जवाब, इसका मतलब कि आपके पास कुछ है नहीं कहने के लिए। जी जी जी, प्रियंका वाड्रा ने कहा गैर संवैधानिक है चिदम्बरम, अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस की पूरी मंडली कह रही है असंवैधानिक, गैर संवैधानिक है, इसका मतलब यह है कि हट जाना चाहिए। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में लिख दे गैर संवैधानिक है, हम वापस इसको स्टेटस को लेके आएंगे, इसमें क्या दिक्कत है, दिक्कत समझाइए मुझे। छोटी सी बात यह है शहजाद भाई कि हमारे प्रधानमंत्री ये नहीं समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री को छोड़ दो ना सर, आप बताओ आप क्या कर रहे हो, ही नहीं सकता। लोकसभा सबसे ज्यादा जो मिला है किसको मिला है सर, वो कह रहे अगर आप आएंगे तो आप घोषणा पत्र के पास ये पूरी ताकत है, उनके पास सांसद कर सकते हैं। मैं सनी धीमान के पास जाता हूँ, हाँ इस बात का जो आप तो राहुल उत्तर अब्बास, मैं निराश हूँ, मुझे लगा कि आप ज्यादा समझदार है, आप प्रधानमंत्री आप सवाल का जवाब देंगे मेरे भाई। सनी एक सेकंड, मैं सनी के पास मैं डायरेक्ट जवाब चाहता हूँ, मुझे लंबे जवाब नहीं चाहिए सर, मुझे आज लंबे जवाब नहीं चाहिए, मुझे 10 सेकंड दीजिए, मुझे निबंध नहीं चाहिए, मुझे ऐसे नहीं चाहिए सर, ऐसे छोड़िए ना सर, ऐसे ऐसे नहीं लिखना हमें, असली यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे, आप भाषण देंगे, तकरीर देंगे, कौन लेगा, हाँ यहाँ पे कोई वो तो नहीं हो रहा, मुशायरा तो नहीं हो रहा, आप शायरी करेंगे। सनी तुरंत एक लाइन में जवाब, सैयद अब्बास की आवाज नीचे कीजिए, सनी एक लाइन में आप जवाब दीजिए, मोदी क्या करते हैं, बीजेपी क्या करती है, सब छोड़ दो, आप जानते हैं ना 370 हटाना गलत था, तो आप मैनिफेस्टो में क्यों नहीं लिखते कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा में कि हम सत्ता में आए तो 370 वापस ले आएंगे, हाँ या ना, लिखना चाहिए कि नहीं? देखो दोस्त, आपको सीधी बात में बोलता हूं, सब चंगा सी, मतलब मोदी जी के आने से पहले सब ठीक चल रहा था, पंजाबी ऐसी भाषा है जिसमें झूठ नहीं बोल पाते, तो मोदी जी नहीं बोल पाए तो वो बोल दिए ह्यूस्टन में, हाउडी मोदी में, सब चंगा सी। मतलब आपके रिपोर्ट कार्ड में हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के मुद्दे तो है नहीं, बेरोजगारी 40 साल की सबसे ऊंचे स्तर पर है, देश में सबसे बड़ा आतंक फिलहाल बेरोजगारी है, तो मोदी जी बोल रहे हैं आप 370 हटाकर दिखाइए, अरे सरकार में आप है, हम तो विपक्ष में बैठे हुए हैं, हमारे पास क्या है, सरकार आपकी है, राष्ट्रपति आपके है, लोकसभा चुनाव से पहले, विधानसभा आप चुनाव से पहले, हरियाणा चुनाव का चुनाव से पहले, चुनाव महाराष्ट्र चुनाव, अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा है, चुनाव का 370 के छोटे जवाब, सनी भाषणबाजी नहीं, भाषणबाजी, ये जेएनयू का ढाबा तो है नहीं, जेएनयू का ढाबा है नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं आप ही से पूछूं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, चुनाव से पहले अनएम्प्लॉयमेंट और इन इश्यूज की बात करने के बदले कांग्रेस का डेलीगेशन गया था वो लेबर के लीडर से मिलने, जेरेमी कॉर्बिन, जो हमेशा भारत के खिलाफ बोलता है कश्मीर के ऊपर,
ठीक है ना, मैंने बोला था राहुल गांधी से कि उनको भेजो, राहुल गांधी के दोस्त गए मिलने, आपको हमने बोला था कि जाकर जाकर मिल के आओ उनको और कश्मीर का मुद्दा उठाओ। राहुल गांधी आ जाते हैं आपकी। सर राहुल गांधी पार्टी के इम्पोर्टेंट नेता नहीं है, आपको क्यों इतना प्यारा? नहीं, मतलब अभी बात तो कश्मीर मुझे प्यारा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली देश का विपक्ष जो है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मेरी गलती नहीं है उसमें, आपकी गलती है, आप उस परिवार के बाहर नहीं जाते। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि चुनाव से पहले जेरेमी कॉर्बिन के पास जाकर ये कहना कि पाकिस्तान की बात को सही ठहराओ, भारत ने जो किया गलत है, ये मैंने कहा था कांग्रेस के डेलीगेशन को जाकर। ये तस्वीर दिख रही है, ये दिख रही है तस्वीर आपको, एक बात कांग्रेस के लोग हैं ये, राहुल गांधी को पूछ के गए, सोनिया गांधी को पूछ के गए, मैंने बोला था कि जाओ। मेरे दोस्त आपको एक बात कह दूं, देखो मैं चिल्लाने के मूड में नहीं हूं, सीधी बात है कि देखो इंडिया और मैनिफेस्टो में डालेंगे, हाँ या ना? देखिए इंडिया और मैनिफेस्टो में डालेंगे, इंडिया और पाकिस्तान आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं। मेरे दोस्त इंडिया और पाकिस्तान में जब जब चुनाव होगा दोनों जगह पर कश्मीर कश्मीर का एक एक एक, एक शोर शोर सुनाई देगा। आपके बेसिक मुद्दों पर बात नहीं होगी, मतलब ये बात नहीं होगी कि सरकारी व्यवस्था में कितना विकास हुआ नहीं हुआ, कश्मीर की आड़ लेकर इंडिया और पाकिस्तान के चुनाव हो गया। वो भाषण आपने लास्ट शो में हमने जब बुलाया था आपको, तो हम बालाकोट की बात करते हैं, पाकिस्तान में इमरान खान कश्मीर माजिद हैदरी जिस विपक्ष के सहारे आप बैठे थे वो तो मैनिफेस्टो में डालने को तैयार नहीं है, आपको तो मैंने पहले ही बता दिया था। अब तो आपके मोबाइल फोन की लाइन भी खुल गई है, 40 लाख मोबाइल खुल चुके हैं, कश्मीर में नॉर्मलसी आ चुकी है, 99% जगहों से रिस्ट्रिक्शन हट चुके हैं, कश्मीर के लोग एकदम खुशी मना रहे हैं। आप और कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान ही जो है मतलब गुस्से में है। और देखो कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र, मैनिफेस्टो में डालने को तैयार नहीं कि 370 जैसे था वैसे ले आएंगे। शहजाद साहब मैं सीधा ही जवाब दूंगा, लेकिन उस जवाब देने से पहले मैं अपने बंगाली भाई को अभिजीत बैनर्जी को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्हें नोबेल प्राइज मिला। बंगाली ने भारतीय भी बोल सकते हैं, नोबेल प्राइज इसलिए मिला है क्योंकि बंगाली लोगों ने हमेशा आपको बंगाल दिख गया, जात भी दिख जाती उनको, आपको जाति भी दिख जाती था कि जो संघ को आपको तो देश ही नहीं दिखता ना, आपको भारत से ही एलर्जी है। बात की आपको दिखेगा, लेकिन कश्मीर वालों को आपने क्या समझ के रखा है, मजाक समझा है शहजाद साहब आपने? क्या बोल रहे हो कि आज भाजपा ने हमारी विश्वास की इज्जत लूट ली, कल कांग्रेस आके हमारी वो इज्जत जो विश्वास की थी वो वापस रखेगी? क्या समझते हैं आपने, क्या मजाक बना के रखा है कि एक पार्टी है कि हमारे साथ मजाक करके चली जाएगी, 70 वर्ष बाद हमारी पीठ में छुरा घोंपेगी और बाद में कांग्रेस वाले बेचारे आएंगे वो निकालेंगे? कांग्रेस के सहारे से कह रहे थे राहुल गांधी सही बोल रहे हैं, कश्मीर में हालात बहुत खराब है, अधीर रंजन चौधरी सही बोल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन कैंप है, आपने कल तक बोला गुलाम नबी आजाद बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जेल बन चुका है कश्मीर, आप लोग उनकी बातों को एंडोर्स कर रहे थे। आज मैंने बोला कि भाई इतनी एंडोर्समेंट कर रहे हैं तो उनसे कह दीजिए अपने मैनिफेस्टो में छाप दे, घड़ियाली आंसू नहीं है आप जैसे लोगों के लिए बता दे, तो उन्होंने तो मना कर दिया। सर चैलेंज नहीं ले रहे मोदी का, मोदी 370 चैलेंज ले रहे हैं। पहले अपने अल्फाज दुरुस्त करें, आपने कहा कि कश्मीर में अमन आ चुका है, नॉर्मलसी आ चुकी है, अभी कल ही हमारे आदरणीय मोदी जी ने कहा कि 4 महीने और लगेंगे। 70 दिन से एक गोली नहीं चली है, यहाँ हर जगह मातम चल रहा है, दिन से गोली नहीं चली है। मोबाइल पर क्या आप तले बनाते हैं? मैं कश्मीर मोबाइल आपने ऑन कर दिया तो कोई तूफान आ गया, क्या कर दिया आपने मोबाइल ऑन करने से? कोई नॉर्मलसी आ गई, कोई खुशियां आ गई? 70 दिन मोबाइल पर बात करने का बनोगे? राष्ट्रीय मोबाइल दिवस बार बार ये मान लगा है, राष्ट्रीय मोबाइल दिवस होगा, हर बार ये देखा है कि वहां पे कोई मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज 40 लाख मोबाइल फोन लैंडलाइन तो पहले ही खुल गए थे, जम्मू लद्दाख में भी मोबाइल चालू है, आज कश्मीर घाटी में भी खुल चुका है, मैं उसकी आपको डेमो दिखा सकता हूँ, डेमो है हमारे पास, मोबाइल फोन चालू है, पूरी नॉर्मलसी आ चुकी है, लोगों को हॉस्पिटल क्या फर्क पड़ता है, ऑपरेशन मोबाइल फोन ऑन ट्रेड हो रहा है, दुकानें अगर बंद है तो पत्थरबाज और आतंकवादियों की वजह से बंद है, नॉर्मलसी प्राइमरी स्कूल खुल चुके हैं, स्कूल खुल रहे, क्यों नहीं दुकानें खुल रही? मेरे साथ सुनिए, क्यों साथ एक और कश्मीर के स्टेक होल्डर है, बीजेपी के पास आऊंगा, मेरे साथ एक और कश्मीर का स्टेक होल्डर है माजिद हैदरी, वैलिडिटी बढ़ा दे माजिद हैदरी, आप शायद ना माने पर हमारे पास अमित रैना भी है, कश्मीरी पंडित है, जिनको आपने जो आपने निकाल दिया था कश्मीर से, उनका भी स्टेक है भाई साहब, वहां पे क्या हालात है, वहां पे हालात ठीक है, ठीक हो रहे हैं? बिल्कुल, मैं नॉर्मल तो नहीं कहूंगा, मगर नॉर्मल कश्मीर में 30 साल से नहीं थे जी, मगर जो रूटीन में लाइफ आ रही है वो आ रही है, और मुझे लगता है आज जो मोबाइल फोन खुले हैं उससे बहुत ही ज्यादा एक्सपीडाइट हो जाएगी नॉर्मल सिक्योर जो प्रयास चल रहा है सरकार का। और ऐसा नहीं है, ये जो मिथ्या फैलाई जा रही है कि दुकानें बंद है, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट बंद है, दुकानें खुली हैं, टाइमिंग चेंज हो गई है, सुबह खुलती है 3 घंटे, मैं बताऊं दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि आज प्राइमरी स्कूल और प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल खुल चुके हैं,
आज वहां पे लैंडलाइंस ऑपरेशनल है, आज वहां पे 99% जगह से पूरी तरह से जो है रिस्ट्रिक्शन हट चुके हैं, आज तक एक गोली नहीं चली है, 42,000 लोग मरे थे, आज एक गोली नहीं चली है, इससे दिक्कत है माजिद हैदरी को। देखिए ह्यूमन राइट वायोलेशन हुए हैं, पत्थरबाजों की ह्यूमन राइट वायोलेट हुए हैं, गोलीस्टोन बेल्टर्सन के ह्यूमन राइट वायोलेट हुए, आतंकवादियों के वायोलेट हुए, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाए हैं, जो उनकी दिहाड़ी है 500 रुपए की वो हमारी जा रही है। देखिए आज आपको माजिद हैदरी को तकलीफ है क्योंकि माँ बाप जो थे अपने बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं भेज रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि कनेक्टिविटी है बच्चों के साथ, कुछ हो जाए स्कूल में कुछ हो जाए तो मोबाइल पर कैसे बात करें। आज वो मोबाइल भी बहाल हो गए हैं तो स्कूल में मुझे पूरा यकीन है स्कूल की अटेंडेंस बढ़ेगी और तकरीबन 100% बढ़ेगी। तो माजिद हैदरी जैसे लोग भी परेशान है कि तो नॉर्मल सी की और हर कदम राजीव पांडे बीजेपी के प्रवक्ता राजीव पांडे आज की खबर है, आज की रिपोर्ट है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते होंगे माजिद हैदरी, उनको ये पेपर पसंद भी आता होगा। 4,500 जम्मू कश्मीर के बच्चों ने प्रधानमंत्री की स्कॉलरशिप स्कीम ली है, 6 साल में सबसे ज्यादा है, 106 केंद्रीय स्कीम लागू हो रही है वहां पे। क्या दर्द यही है पाकिस्तान परस्त गैंग को दर्द यही है कि कश्मीर में चैन है इसलिए वो बेचैन हो रहे? देखिए अब तो कोई पाकिस्तान यहाँ है बिल्कुल सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि अगर आप देखें जो आर्मी के रिक्रूटमेंट ड्राइव में भी बहुत सारे लोग आए हैं तो माजिद हैदरी जैसे जो लोग हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे कश्मीर की आवाम जो है वो धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रही है और वो मेन स्ट्रीम में आएगी। देखिए सरकार ने कहा है कि हम ऐसा डेवलपमेंट करेंगे जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, वहां के लोग कहेंगे कि भैया तुम यहां से भागो, हम भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। अब माजिद हैदरी को सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अभी इससे उनको प्लीज माजिद हैदरी साहब प्लीज। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज आतंकवादी खुलेआम आम जनता को जम्मू कश्मीर में निशाना नहीं बना सकते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतनी मुस्तैदी से काम किया है कि आज जो आतंकवादी है उसके सरपरस्ती करने वाले जो सेपरेटिस्ट है उनकी एक्टिविटी पर कंट्रोल है, आम जनता को खुला। डॉक्टर अब्बास माजिद हैदरी की दिक्कत यह है राजीव पांडे रुक जाइए, पर कंट्रोल है, आम जनता को खुला। डॉक्टर अब्बास माजिद हैदरी की दिक्कत यह है, डॉक्टर अब्बास माजिद हैदरी की दिक्कत यह है, राजीव पांडे रुक जाइए, डॉक्टर अब्बास माजिद हैदरी की दिक्कत यह है। सुनिए एक लाइन और, राजीव पांडे मैं आ रहा हूँ आपके पास, वापस आऊंगा मैं आपके पास, आप रुक जाइए, रुक जाइए। माजिद हैदरी की दिक्कत यह है डॉक्टर अब्बास कि आपको तस्वीर दिख रही होगी, एक सेकंड एक वक्त में एक ही बोलेगा, माजिद हैदरी प्लीज ठीक है डॉक्टर अब्बास, माजिद हैदरी की दिक्कत यह है कि देखिए तस्वीरें दिख रही है कि कश्मीर का जो युवा है ना, अभी 12 अक्टूबर की बात है, 2000 लोग तांता लगा के लाइन लगाकर आर्मी की रिक्रूटमेंट में भर्ती हो गए, बड़ी बड़ी संख्या में आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें तो खुशी है कि जो स्थिति नॉर्मल होते जा रही है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको अगर इतना लगता है, कांग्रेस को लगता है वहां पे माहौल ठीक नहीं है, लोग गुस्सा है, तो बीडीसी के चुनाव होने वाले हैं अभी अक्टूबर में, कुछ दिनों में, बीडीसी के चुनाव बॉयकॉट क्यों कर रही है कांग्रेस? जाकर लड़ ले और बीजेपी को तमाचा दे ना, सरकार को तमाचा दे, बॉयकॉट क्यों कर रहे चुनाव? ना मैनिफेस्टो में लिखोगे 370 वापस लाएंगे, ना चुनाव लड़ोगे। शहजाद भाई बहुत खुशी की बात है और आपने मुझे बताया है कि कश्मीर के जो युवा हैं जो इंडियन आर्मी को जाएंगे, बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए और इंशाल्लाह अल्लाह ताला, हमारी दुआ है कि माजिद हैदरी जो हमारे खास दोस्त हैं और भाई हैं और तमाम कश्मीरियों का भला हो अच्छा हो। अभी जो बात आपने की है कांग्रेस के जो अभी आने वाले इलेक्शन में वो हिस्सा लें, भागीदारी करें ना करें, वो उनके ऊपर है पहली बात। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहूंगा, क्या हुआ हमारे प्रधानमंत्री का जुमला ग्लोबल इन्वेस्टर्स क्यों नहीं हो रहा है? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं दे सकते। डॉक्टर अब्बास अमित रैना का जवाब दीजिए, डॉक्टर अब्बास आपने एक चीज बोली है, मैं चाहता हूँ आप रुके, डॉक्टर अब्बास रुक जाइए डॉक्टर अब्बास सुनिए, डायलॉग करते हैं, मुझे पता है कि कश्मीरी पंडितों की आवाज दबाने में ज्यादा रुचि है, पर आप एक सवाल है अमित रैना का सवाल लीजिए, अमित रैना सवाल पूछ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप कैसे डिसीजन होता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ग्रासरूट लेवल का प्रोसेस है, अगर आप उसी को बायकॉट करते हैं,
चलिए आपने हरियाणा को लेकर एक बहाना बना लिया जी, हरियाणा में कश्मीर का क्या लेना देना, मगर बीडीसी का तो कश्मीर में लेना देना है, जम्मू कश्मीर में लेना देना है, आप उसमें क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आवाज क्यों नहीं पहुंचा रहे? डॉक्टर अब्बास लगता आवाज कुछ और है। डॉक्टर अब्बास जल्दी से जवाब। सबसे सबसे जी 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 अमित रायना साहब, बिल्कुल मैं आपका आपके सवाल का बहुत ही सिंपल सा उत्तर देना चाहूंगा। मैं कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नहीं हूं भाई साहब, मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं और मुद्दे पे बात करता हूं। कांग्रेस में जो हो रहा है नहीं हो रहा है आपके हिसाब से पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कांग्रेस की तरफ? आपके आप राजनीतिक विश्लेषक है तो ना बता दीजिए, कांग्रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? डॉक्टर अब्बास अगर आप राजनीतिक विश्लेषक है तो जो कदम भारत के हित में उसका तो स्वागत है। आपको राहुल गांधी दिखता हूँ क्या? आपको मैं राहुल गांधी दिख रहा हूँ? मैं क्या बात पूछ रहा हूँ, कांग्रेस की पार्टी आपने खुद हिसाब से कांग्रेस को पार्टी समझता हूँ आप तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे, कैसा विश्लेषण कर रहे हैं आप? देखिए राजनीतिक विश्लेषक राजनीतिक विश्लेषक होता है निष्पक्ष होता है जी, बिल्कुल राजनीतिक विश्लेषक निष्पक्ष होता है, पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको बताना आपको ये बता दूं, सुनिए अगर ये मुझे पूछा जाए जी तो ये मुझे पूछा जाए तो बिल्कुल कांग्रेस को जरूर इलेक्शन लड़ना चाहिए, क्यों हर जगह लड़ना चाहिए, चलिए ऐसी कोई सीट नहीं छोड़ना चाहिए। अब मैं एक सेकंड, ऐसा है मैं माजिद हैदरी और सनी दीमान, माजिद हैदरी सनी दीमान, मैं आपको दिक्कत बताता हूं। दिक्कत यह है कि आपने कश्मीर मुद्दे को राजनीति का मुद्दा बना दिया, भारत के साथ खड़े होने के बदले आप पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। अब सवाल यह पैदा होता है कि मोबाइल फोन तो खुल गए पर आपके दिमाग के ताले कब खुलेंगे? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक तरफ आपको ये तस्वीरें दिख रही है, कश्मीर का जो युवा है वो जाकर आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, देश हित में काम करना चाहता है, और जिस पाकिस्तान की आप तरफदारी करते हो या उसका साइड लेते हो कश्मीर पे, वो अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है जरा देखिए, सुनिए सुनिए, कश्मीर के बच्चे जाना चाहते हैं आर्मी में और पाकिस्तान के बच्चे बनना चाहते हैं जिहादी, सुनिए। वीडियो देखा होगा आपने सनी दीमान, मैं आपको बताता हूं, आपको पाकिस्तान में इंटरेस्ट नहीं है पर एक सेकंड पाकिस्तान में इंटरेस्ट नहीं है पर माजिद हैदरी और सनी दीमान आप लोग जो है जो इशू को उठाते हैं कश्मीर के इशू को उठाते हैं उसका इस्तेमाल कौन करता है? पाकिस्तान करता है। डॉसियर में फ्रंट पेज पे कौन छपता है? राहुल गांधी छपते हैं, उनके लेटर में उनका जिक्र आता है। इमरान खान ने भी अब जब यूनाइटेड नेशंस में थे तो उन्होंने बोल दिया था कि देखिए और किसी ने समर्थन किया ना किया हो, कांग्रेस पार्टी हमारी बात को रिटरेट कर रही है, बोल रही है कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं है। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि ये बायलैटरल मामला नहीं है, ये अंदरूनी मामला नहीं है, ये इंटरनेशनल मामला है। तो पाकिस्तान के खेमे में बैठोगे क्या आप? मोदी विरोधी मैं खालिस हिंदुस्तानी हूँ, अगर उससे खालिस हिंदुस्तानी होने के नाते इस देश का जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर की आवाम, 20 लाख जो आवाम जो कश्मीर की है और जम्मू रीजन में जो लोग परेशान है पिछले 72 दिनों से, अगर उन्हें परेशानी होगी तो मुझे परेशानी होती है। आपने हटाया, क्या परेशानी है? क्या परेशानी? किसने फोन करके आपको बताया? आपने फोन चलने कहा दिया? अरे सनी दीमान, तो फिर आपको पता कैसे चला? आपको पता कैसे चला कश्मीर? एक सेकंड, मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं, आपको 20 सेकंड दे रहा हूं सनी, सिर्फ सनी को स्क्रीन पे लाइए, मैं सनी से बातचीत करना चाहता हूं 20 सेकंड, अगले 20 सेकंड। आपने कहा कि कश्मीर के लोगों को दिक्कत है, मैं मानता हूं आपकी बात, आपको कौन से कश्मीरी ने बताई? नाम बताइए मुझे उसका, उसका एड्रेस बताइए, उसने कैसे आपसे संपर्क किया, आप मुझे बताइए। शैला राशिद बनने की जरूरत है? राशिद से देखो, उनके पहले बताइए किस कश्मीरी ने आपको बोला उसको दिक्कत हो रही है? मेरी दोस्त है, अरे कश्मीरी सिख है, कश्मीरी सिख है, सिमरनजीत कौर, ठीक है, कश्मीरी सिख है, बिल्कुल कश्मीरी सिख है, वो पढ़ रही है, वो अपने माता पिता से उसकी बातचीत हुई है। आप मैंने बात कैसे एग्जाम्पल वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। आप लोगों ने बुला रखा है, बात नहीं हो रही, जेल में है, कोई कोई कांटेक्ट नहीं है, बड़ी बात। फिर आप रिपोर्ट लेके आ जाते हैं कश्मीर में ये हो रहा है, कह रहा हूँ सुनिए, ये मोदी जी या तो आपके संपर्क है या आप लोगों से मिल रहे हैं या नहीं? एक सेकंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अमित रैना क्या बोल रहे हैं सुनिए, गुलाम नबी आजाद की मैंने बात सुना है, उन्होंने बोला जेल बन चुका है कॉन्सेंट्रेशन कैंप एज पर अधीर रंजन चौधरी। कॉन्सेंट्रेशन कैंप से फोन कैसे आ गया आपको?
दोस्त मेरे जेल बन चुका है, बहत्तर दिन बाद कैसे आ गया, मतलब जेल नहीं था, बहाली होती मतलब जेल नहीं था, फोन सेवाओं की 72 दिन बाद बहाली होती है, फोन सेवाओं की अगर होती है मोबाइल, अभी भी रहना जी, मोबाइल फोन रहना जी, अभी भी मोदी जी बोल रहे हैं कि 4 महीने और लगेंगे। मुझे याद आता है कि नोटबंदी के टाइम पर एक रंजीत कौर ने आपको बताया, नोटबंदी के एक मिनट सिमरनजीत कौर ने बताया आपको, श्रीनगर में उनकी फैमिली, ठीक है ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सिमरनजीत, नोटबंदी के समय पर नोटबंदी बात नहीं करने दे रहा, नोटबंदी मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ, आप शोर चाहते हैं, नहीं मैं शोर, शोर में मुद्दों को दबाना चाहते हैं, सेंस चाहता हूँ आपके बातों का, आप सिमरनजीत कौर ने नहीं करने दे रहे, आपको पूरा करने दे रहा हूँ, सिमरनजीत कौर ने आपको फोन करके बताया कि उनको तकलीफ हो रही है, बिल्कुल हो रही है उनके परिवार, गुलाम नबी आजाद ने, मैंने शुरुआत में बताया, गुलाम नबी आजाद ने बोला बोलने की आजादी खत्म हो चुकी है, पर सिमरनजीत कौर की आजादी तो थी, उन्होंने तो सनी दीवान को फोन करके बताया, मतलब वो झूठ बोल रहे थे, साउथ इंडिया में राहुल गांधी और गुलाम नबी आजाद झूठ बोल रहे थे, ये आप बोल रहे, सुनो सुनो दोस्त, जिस तरीके से आप अपने शब्द अभी देख, नोटबंदी के समय पर मोदी जी बोले कि अगर 31 दिसंबर से पहले 31 दिसंबर को सब ठीक नहीं हुआ, सब ठीक नहीं हुआ तो मुझे चौराहे पर खड़े करके मुझे ड्यूटी मारना और मुझे जला देना, जिंदा जला देना, सुनो सुनो, नोटबंदी के बाद में इस देश की हालत 2% GDP गिर चुकी है, देश कहीं और जा, 40 साल के सबसे बुरे, सर आज हम डिबेट कर रहे हैं, बुरे उसमें दौर में जा चुका है, मैं डिबेट कर रहा हूँ, ये इकोनॉमिक मुद्दों को हटाने के लिए बार बार फोन का मुद्दा लाया जाता है, पाकिस्तान परस्त एजेंडा हुआ, मैं पाकिस्तान की मोहब्बत नहीं करता, आपको मीडिया वालों को मैं भी मोहब्बत नहीं करता, दिक्कत क्या है, प्यार है पाकिस्तान से, मुझे इस मुल्क से प्यार है, इस मुल्क के बेसिक मुद्दों से प्यार है, राजीव हरियाणा के चुनाव, राजीव पांडे हरियाणा के चुनाव में, एग्रीरियन इकोनॉमी में, महाराष्ट्र के चुनाव में, बात किसकी होगी, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों की बात होगी कि नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा इंपॉर्टेंट नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा देखो, चलिए कश्मीर में रायता फैला दिया, ठीक है, कश्मीर में जम्मू कश्मीर में आपने रायता फैला दिया, वो इंसिडेंट नहीं हुआ, किसी की जान नहीं, एक बात समझ में आया, लोगों को अमित रैना और सनी जनता को बाहर आके सेलिब्रेट करने दीजिए, जब सब चंगा है तो उनको बाहर आने दीजिए, और अगर सब चंगा नहीं है तो आप सुना नहीं है, नहीं सुनिए एक सेकंड, अभी आप लगातार नहीं बोल सकते, मुझे सवाल पूछिए, राजीव पांडे सवाल ये है, राजीव पांडे सवाल तो सुन लो, सवाल सुन लो सर, मेरा सवाल ये है, उनको दिक्कत है कि हरियाणा में आप इस इशू को क्यों उठा रहे, ये लॉजिक हो सकता है कि हरियाणा से कई सारे हमारे सिपाही जाते हैं, ये भी लॉजिक हो सकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हर स्टेट में इंपॉर्टेंट है, पर मैं इनसे ये पूछ रहा हूं कि अगर हालात कश्मीर में इतने बुरे हैं, लोग इतने नाराज है, वो ताली नहीं बजा रहे इस डिसीजन पे, तो ये बीडीसी के चुनाव क्यों बॉयकॉट कर रहे हैं, और देखिए यहाँ पे दिख रहा है 59% वोटिंग चल रही है लगातार, 59% लोग बता रहे हैं मुझे कि देखिए जो मोदी 370 चैलेंज है, विपक्ष से उसका पूरा ड्रामा, कश्मीर का ड्रामा एक्सपोज हो चुका है, राजीव पांडे देखिए साजा जी, आपने कहा कि ये बीडीसी में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि जनता ये समझ चुकी है कि इनका कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे थे कश्मीर के नाम पर, देखिए हम लोकतंत्र में, अगर आप महाराष्ट्र और हरियाणा में बात कहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जनता आपको इस मुद्दे पर समर्थन कर रही है कि नहीं कर रही है, लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है ना, अगर आपको लग रहा है कि 370 मुद्दे आप भी चैलेंज लीजिए, 70 साल में आपने क्या कर दिया वो देख, 70 साल में यहाँ तक पहुंचे हैं ना अपने, अब आप तो इसरो का भी मजाक उड़ा रहे, अच्छा माजिद हैदरी अमित रैना सर एक मिनट रुक जाइए, माजिद हैदरी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस, सिर्फ कांग्रेस नहीं, एनसी और पीडीपी, इन तीनों ने मिलकर आपको इस तरीके से बेवकूफ बनाया है, इस तरीके से बुद्धू बनाया है, आपको पता नहीं, मैं और शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं आपको बताता हूं क्यों, 370 था टेम्पररी एंड ट्रांजिएंट प्रोविजन, अगर इनको लगता था 370 इतना ही महत्वपूर्ण है जैसे आज चिल्ला रहे हैं, राग अलाप रहे हैं, तो इतने साल थे तीनों केंद्र की सरकार में कांग्रेस के साथ मिलकर, इन्होंने आज तक इसको परमानेंट क्यों नहीं किया, परमानेंट कर देते तो ना बीजेपी इसको हटा पाती, ना माजिद हैदरी को आकर रोज 5 बजे रोना पड़ता, और ना मोदी को चैलेंज देना पड़ता। तो आपकी बात से इत्तेफाक कुछ हद तक लगता है कि अगर हमारे लोकल सियासतदानों ने, अगर जो नेता थे ना, लोकल नेता, अगर उन्होंने इसको परमानेंट करने की कोशिश की होती तो आज शायद मुझे लगता है कि मसला कश्मीर का हल ही सिर्फ यही था कि हमारे को स्पेशल स्टेटस मिलता, वो तो आज क्योंकि हमारा स्पेशल स्टेटस चला गया तो हमें आज
कदर आ रही है कि वो स्पेशल स्टेटस था क्या, थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी और देनी थी और मसला कश्मीर हल हो गया था, लेकिन भाजपा सरकार ने मसले कश्मीर को हल करने की कोशिश नहीं की, इसलिए नहीं की क्योंकि जितना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इस गायत्री को पूरे देश में ठीक है तो आप लीजिए तो किसी की जान ले गए तो ये आपके लिए रायता बिल्कुल किसी की एक तो पहले ये जो आप लोगों को अमित सवाल लाते हैं सवाल कश्मीरी जम्मू कश्मीर कश्मीरी जम्मू कश्मीर नहीं है, जम्मू कश्मीर लद्दाख है। अगर कश्मीर के चार डिस्ट्रिक्टों में समस्या है तो पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। आपके 1.3 करोड़ के स्टेट में अगर 20 लाख लोगों को समस्या है तो आपने खुद बोला 20 लाख 20 लाख की पॉपुलेशन, अगर 20 लाख लोगों को समस्या था 1.1 करोड़ को इग्नोर नहीं कर सकते। 1.1 सवाल सवाल सुनिए माजिद हैदरी अमित रैना आपको जवाब देंगे पर मुझे सवाल देने दीजिए। माजिद हैदरी रुक चाहिए, मुझे अमित रैना चाहिए, मुझे अमित रैना से बात करनी है। अमित रैना, कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र सामने आ गया ना प्रधानमंत्री की कल की और आज की बात से। आप या तो कहे कि 370 हटाना इतना गलत मूव था कि हम सत्ता में आएंगे तो हम इसको वापस ले आएंगे, या आप करते कि 370 जो टेम्पररी था इतने साल आप उसको तब आप परमानेंट बना देते। नेहरू ने तो कहा था, नेहरू प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था कि 370 क्या है, घिसते घिसते घिस जाएगा, तब माजिद हैदरी को कोई दिक्कत नहीं हुई। देखिए सबसे बड़ा जो अगर किसी ने डैमेज पहुंचाया 370 को और राइटली पहुंचाया वो कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाया। नॉमन क्लेचर किसने चेंज करे प्रधानमंत्री से चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस पार्टी ने। सदर किसने बनाया, कांग्रेस पार्टी ने। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन का रिट किसने लगाया, कांग्रेस पार्टी ने। अभी गुलाम नबी आजादी 60 दिन पहले 70 दिन पहले कह रहे थे हम अपनी जान दे देंगे 370 को बचाने के लिए। अरे जान तो छोड़िए, मैनिफेस्टो में डाल दीजिए, वो तो आप डालने को तैयार नहीं है। कैसी जान देना चाहते हैं सनी दिमाग अगर कोई चीज आपके लिए हत्या हुई है संविधान की, अगर आपको लगता है जान देने के लिए लायक है कहीं तक लिखेंगे आप हर जगह उसकी बात करेंगे, हर जगह की बात करते हैं उसकी। सुनिए सनी दिमाग, आपसे सवाल सनी दिमाग, सवाल आपसे देखिए वो क्या बोल रहे हैं अमित रैना, क्या बोल रहे हैं। मैं अमित रैना की, राजीव मैं आ रहा हूँ आपके पास, अमित रैना की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। सबसे ज्यादा डैमेज 370 को कांग्रेस ने किया, ठीक है। सुनिए ना, ये लोकतंत्र सुनिए है कि धीरे धीरे करके सनी लोकतांत्रिक प्रोसेस ये भी है कि सवाल सुन लेंगे आप यहाँ पे हट गया पूरा अमित रैना, हमें हटाने के तरीके से है। अच्छा ठीक है, ओके 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 सनी सवाल सुनिए आपको प्रोसेस से दिक्कत है, प्रोसेस से दिक्कत है, ठीक है, दिक्कत है। ओके तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे ओके ओके सनी सवाल सुनिए आपको प्रोसेस से दिक्कत है, प्रोसेस से दिक्कत है, ठीक है, दिक्कत है। ओके तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ सुनिए, आप अगर से प्रोसेस से दिक्कत है तो आप ये आके कहिए कि हम 370 पे सरकार के साथ है। ये मत कहिए कि 370 हटाने से जेल बन चुका है जिसका फायदा पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उठाता है। देखो पाकिस्तान से मेरी मोहब्बत नहीं है मुझे, गुलाम नबी आजाद एक बात, राहुल गांधी एक बात और अधीर रंजन चौधरी के स्टेटमेंट पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए, उनको करने दो ना यार, करने दो ना यार भारत का कोई हित नहीं है। देखो महाराष्ट्र मोदी विरोध में देश हित के साथ समझौता कर देंगे। देखो मोदी को तस्वीर दिखाओ लेबर पार्टी के लोगों से मिले कांग्रेस वालों, हमने बोला तस्वीर दिखाइए, पूरी बात सुनिए, तस्वीर दिखाइए लेबर पार्टी के जिमी कॉर्बिन जो भारत के खिलाफ आग उगलते हैं, आप उनसे जाके मिलेंगे मोदी विरोध में। बात करूं मुद्दे की, नहीं मुझे एक बात बताओ, यूके का कोई लीडर वहां के प्रधानमंत्री के बारे में बुरा भला कहने के लिए यहाँ पे आता है किसी नेता से मिलने? सुनिए आप मुझे लॉजिक का जवाब दीजिए, हमें कहना कोई यूके का लीडर अंग्रेजों का लीडर यहाँ पे आके कहता है कि हमारा प्रधानमंत्री बहुत बुरा है, वो हमारे देश में क्या कर रहा है, सुनो यहाँ पे आके किसी ने मिला है कांग्रेस पार्टी के नेताओं से? कहता हूँ की
महाराष्ट्र की कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र नंबर वन और नंबर टू और आउटसोर्सिंग पार्टी एक ही है, एक ही पार्टी है जो नंबर टू नंबर वन नंबर टू एक ही पार्टी है जो कांग्रेस को भी मिल कर रही है। रणनीतिता कितने कांग्रेस की किसके लिए लिखा था महाराष्ट्र की जनता ने करने के लिए लिखा था कि कांग्रेस पाकिस्तान की इकोनॉमी में नंबर टू आता है सर, लेकिन वहां पर इकोनॉमी के मुद्दे पर चुनाव नहीं होगा। मुझे इकोनॉमी के गिरते हुए जम्मू कश्मीर में इलेक्शन क्यों लड़ रहे इलेक्शन अगर चलिए महाराष्ट्र छोड़ दीजिए हरियाणा छोड़ दीजिए जम्मू कश्मीर में पीडीएस इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे आप? एक चुनाव पीडीएस का जवाब राजीव पांडे भारतीय कल्चर का आपको मुहावरा सुना देता हूँ कि खाली पेट ना भजन गोपाला ले तेरी घंटी ले तेरी माला। जब जनता के पास होगा ना कश्मीर जम्मू पर नहीं चले क्यों नहीं लड़ रहे बोल दिया बार बार का माइक क्योंकि वो लगातार नहीं बोल सकते। ठीक है सनी दीवान आपने बहुत बोला है, आप मेरे से ज्यादा मेरे शो में बोल रहे हैं। सवाल का राजीव पांडे आपसे राजीव पांडे और अमित रायना ठीक है कौन बोल रहा है आपको सैयद अब्बास आपका इंटरव्यू है क्या आप सैयद अब्बास छोटा पूछ रहे चलो आपसे पूछ लेता हूँ क्या आप हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव के मुद्दे बता देते हो प्रधानमंत्री को कि ये उठाओ वो उठाओ ठीक है आपकी बात सही है इकोनॉमी उठनी चाहिए हम नहीं मना करते पर आप बीडीसी के चुनाव से क्यों भाग रहे हो सर जी। कश्मीर के लोकल चुनाव लड़ लो ना हिम्मत है आपकी पॉइंट सब जो है सारी चीजें सही है कश्मीरी लोग आपके साथ है सिमरनजीत कौर रोज फोन करके बता रही है हमारे साथी को क्या उसके साथ हो रहा है तो आप क्यों नहीं चुनाव लड़ते सर इस इशू पे सर अब आप लगातार नहीं बोल सकते अभी आप लगातार नहीं बोले तो सैयद अब्बास जवाब सैयद अब्बास है अभी जवाब माइनॉरिटी की आवाज आने दो सैयद अब्बास और राजीव पांडे अगर आप मुझे पूछे शहजाद भाई अगर आप मुझे पूछे तो जरूर कांग्रेस को इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को जरूर लड़ना चाहिए ऐसे इतना के सोनिया गांधी तो नहीं लड़ रही है इसका मतलब राजीव पांडे लड़ना चाहिए राजीव पांडे सैयद अब्बास कह रहे कांग्रेस को लड़ना चाहिए कांग्रेस को हिम्मत दिखानी चाहिए हिम्मत नहीं दिखा रही इसका मतलब कश्मीर के लोग नए कश्मीर के लोग भारत का कॉल एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये पाकिस्तान परस्तों का कॉल रिजेक्ट कर रहे हैं जो लेकिन मेरा एक सवाल है राजीव पांडे जी मेरा सवाल है आपसे राजीव पांडे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की जो बात कर रहे थे सर राजीव पांडे को जवाब दे दीजिए हमारे मोदी जी क्या हुआ आप लोग सबको राहुल गांधी की आदत लग चुकी है सवाल कुछ पूछते हैं जवाब आपका कुछ और होता है चुनावों में कश्मीर लड़की लाने की बात कर रहे थे ना राहुल गांधी का प्लॉट लेने वाले थे ना चलिए प्लॉट दिलवाने वाले थे कश्मीर से लड़कियां लेके आने वाले थे हरियाणा के लोग जैसे बात आप एक काम कीजिए मैं आपके लिए सवाल मैं एक रखा हूँ आप राजीव पांडे को बोलने दीजिए उसके बाद सवाल आपका है राजीव पांडे इतनी ही इनमें करेज है हिम्मत है तो मैनिफेस्टो में छाप के कश्मीर का चुनाव क्यों नहीं लड़ क्या राजीव पांडे करने क्या करेंगे पांडे जी इकोनॉमी के मुद्दे पे चुनाव ये नहीं छाप सकते। देखिए देश की जनता इस आर्टिकल 370 को डेट करने के पक्ष में थी। जम्मू कश्मीर की जनता अभी बिल्कुल रैना साहब ने सही कहा कि आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं चार पांच डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो सेपरेटिस्ट लोग हैं उन लोगों को दबा करके रखे हुए हैं वहां भी अब गई बात आपने अभी दिखाया अपने चैनल पे कि किस तरीके से आर्मी में लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। तो जब इनके हाथ से जा रही है सत्ता इनके हाथ से जब जा रही है जो कुछ परिवारों के हाथ में थी तीन परिवारों के हाथ में जम्मू एंड कश्मीर में इसलिए इनको दर्द है जम्मू कश्मीर से और पूरे देश में 370 के इशू पे भारतीय जनता माजिद हैदरी मेरे पास हसीब बशीर माजिद हैदरी एक सेकंड सैयद अब्बास रुक जाइए सैयद अब्बास राजीव पांडे रुक जाइए माजिद हैदरी देखे हसीब बशीर जो कुलगाम का रहने वाला है सुनिए हसीब बशीर एक सेकंड माजिद हैदरी सवाल सुन लीजिए ना सर आप अपना ड्रामा सर कैसे पत्रकार है ड्रामा क्या है हसीब बशीर ड्रामा कर रहा है सुन लीजिए ना क्या बोल रहा है हसीब बशीर कुलगाम से हसीब बशीर जो शायद फोन नहीं करता है यहाँ पे सनी जी को वो कह रहा है सुन लीजिए सर सर सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए बोल रहे थे कि कश्मीर हसीब बशीर कह रहा है माजिद हैदरी सवाल सुन लीजिए माजिद हैदरी वर्बल पत्थरबाजी मत कीजिए
माजिद हैदरी की आवाज कम कीजिए तो मैं सवाल पूछ सकूं। मुझे लगता है कि इनको सदमा पहुंच चुका है, आज मोबाइल फोन खुल चुके, कश्मीर नॉर्मल हो चुका है तो इनको सदमा है। ऐसा है, सुनिए, माजिद हैदरी को और सनी धीमान, हसीब बशीर कुलगाम के रहने वाले हैं, उनके फादर एक टेररिस्ट अटैक में मारे गए, उन्होंने जाकर इंडियन आर्मी ज्वाइन की और उन्होंने कहा कि जैसे मेरे पिता भारत के लिए न्योछावर हुए, मैं भी न्योछावर होना चाहता हूं। ये कश्मीर की आवाज है, वो भारत को हलो कर रहा है और आप लोग जो है पाकिस्तान परस्ती में आप लोगों का कॉल रिजेक्ट कर रहे हैं। नया कश्मीर आप समझते क्यों नहीं है? इसने तो आप चुनाव लेने की हिम्मत नहीं है। मोदी जी के मोदी जी के ये 5 अगस्त के बाद में कश्मीर से लोग क्या आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं, पहले नहीं कर रहे। विजुअल बताइए इससे पहले नहीं झूठ लग रहा है। अमित राणा के 2000 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया 12 अक्टूबर को। मैं विजुअल चाहता हूँ, विजुअल चाहिए। मुझे आप चैलेंज नहीं कर रहे, पहले आर्मी ज्वाइन कर रहे हो। अरे आपको विजुअल दिखा लो, ये विजुअल देखो, मेरे श्रीनगर के बाद झूठ का बोलबाला नहीं चलेगा। ये जेके एलआई रेजिमेंटल, अरे मेरे भाई ये झूठ का बोलबाला नहीं चलेगा। झूठ है, आर्मी में जम्मू कश्मीर के लोग पहले भी ज्वाइन करते थे, अभी अचानक आ गया कि मोदी जी के आते अचानक लोगों को ज्ञान हुआ। झूठ मत फैलाए आपने, तो झूठ मत फैलाए। आतंकवाद आतंकवाद इलेक्शन में अभी जो इलेक्शन में पार्लियामेंट के सबसे ज्यादा वोट बुरहान वानी कॉन्स्टिट्यूंसी, आर्मी की जो रिक्रूटमेंट हुई सबसे ज्यादा लोग टेस्ट के लिए कहां से आए? त्राल से। तो ये कहना कि कश्मीर के लोग 370 के हटने के नाराज से पार्टिसिपेट नहीं कर चाहता मेन स्ट्रीम में, माजिद ने आपको दिखा दिया। माजिद हैदरी की दिक्कत यह है, अमित राणा, माजिद हैदरी की दिक्कत यह है, माजिद हैदरी की दिक्कत यह है, उनको जो है ना उनके हीरो राजीव पांडे दो तस्वीरें स्क्रीन पर, सबकी ऑडियो डाउन, दो तस्वीरें स्क्रीन पर है। माजिद हैदरी चाहते थे कि बुरहान वानी ये कश्मीर का हीरो बने और कांग्रेस वाले और विपक्ष के लोग पाकिस्तान के एजेंडे को मजबूत करने के लिए, उनको कोई दिक्कत नहीं कि देश हित के साथ समझौता हो रहा था, पर देश के और नए कश्मीर के लोगों ने यह कहा कि हमारा हीरो उमर फयाज है। यह दिक्कत है इनको और इसलिए 74% लोग कह रहे कि कश्मीर पर आपका जो ड्रामा है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है मोदी के चैलेंज के बाद। मैं आऊंगा तो इसके बाद हम लोग चर्चा जारी रखेंगे, कहीं मत जाइएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं पर उसके बाद गर्मा गर्म बहस जारी रहेगी।